द्रौपदी के अलावा थी अर्जुन की तीन पत्नियां, आपने सही पढ़ा। कौन थी वह? द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से हुआ था। अर्जुन द्वारा स्वयंवर जीतने के बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ, परंतु देवयोग से ऐसी घटना हुई कि द्रौपदी को पांच पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। जब द्रौपदी को किसी कारणवश पांच पांडवों की पत्नी बनना पड़ा, तब नारद मुनि ने द्रौपदी तथा पांडवों को ऐसा नियम बनाने को कहा जिससे द्रौपदी सभी भाइयों में बराबर रहे तथा किसी के बीच कोई मन मुटाव ना हो। नारद जी की सलाह से पांडवों ने नियम बनाया कि द्रौपदी सभी भाइयों के साथ एक एक महीने रहेगी और जिस बीच जिस भाई के साथ द्रौपदी रहेगी दूसरा भाई उनके महल में नहीं आएगा और यदि ऐसा हुआ तो उसे 12 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ेगा। एक बार जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी, उस समय कुछ ऐसा घटित हुआ कि अर्जुन को द्रौपदी के महल में जाना पड़ा। क्योंकि अर्जुन को धर्म की रक्षा हेतु नियम भंग करना पड़ा था, इसलिए द्रौपदी और युधिष्ठिर ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें वनवास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्जुन ने नियम का पालन करते हुए वनवास जाना स्वीकार किया। वनवास के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुँचे। जब अर्जुन वहाँ गंगा स्नान कर रहे थे, उस समय नागैया उलूपी की नज़र अर्जुन पर गई और वे अर्जुन की तरफ आकर्षित हो गई। उलूपी अर्जुन को अपने साथ पाताल लोक ले गई और अर्जुन से विवाह कर लिया। उलूपी ने अर्जुन को जल पर भी भूमि की तरह चलने का वरदान दिया। कुछ समय अर्जुन ने उलूपी के साथ नागलोक में ही व्यतीत किया। नागलोक से प्रस्थान करने के बाद अर्जुन मणिपुर पहुँचे। मणिपुर में अर्जुन ने एक राजकन्या से विवाह किया जिसका नाम चित्रांगदा था। इस विवाह से अर्जुन को वभारुवाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। अर्जुन ने 3 साल मणिपुर में बिताए और फिर वापस इंद्रप्रस्थ की ओर लौटे। इंद्रप्रस्थ लौटते हुए अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुँचे। यहाँ वह सुभद्रा से मिले तथा दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का विचार किया। श्री कृष्ण के सहयोग से दोनों का विवाह संभव हुआ। इस तरह अर्जुन के वनवास के समय अर्जुन के 3 विवाह हुए।